नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला आपके लिए। कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक लाई हूँ कि जो कि किचन के कुछ काम हैं वो उसको इजी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हैक्स शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। सबसे पहला ट्रिक यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, जिसको काटने में समस्या होती है कि काटने में भी अच्छे से कटते नहीं हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप नॉर्मल पानी लें बाउल में, और उसी में हमने कुछ आइस क्यूब डाल दिए हैं ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए, और उसमें हम ये जो पके हुए ज़्यादा पके हुए टमाटर है ना, उसको ऐड कर देंगे। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको निकालेंगे तो ये थोड़ी से हार्ड हो जाएंगे और आपको काटने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड हैक्स ये है कि जैसे कि कभी कभी आप चने या छोले बना रहे हैं तो हम उसको भिगोने में लेट हो जाते हैं, ये तो उसके कारण से भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप चने को अच्छे से धुल लें 1 से 2 बार, और इसमें हम बिल्कुल गर्म पानी ऐड कर देंगे अच्छे से, ताकि ये चने अच्छे से फूल जाएं, इतना पानी लेंगे। और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए, आप मिनिमम 2 घंटे के लिए भी रखेंगे ना इतने गर्म पानी में, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने 2 से 2.5 घंटे बाद इसको देखा, सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसका ये जो गंदा पानी है इसको अलग कर दिया है। और इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और आधी चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम पकाएंगे ना फ्रेंड्स 4 से 5 सीटी में, ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो मैंने इसमें 4 से 5 सीटी लगाया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आप 2 घंटे पहले भी सोचेंगे ना सब्जी बनाने से पहले, तो आपका आराम से चने अच्छे से भीग जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक यह है कि जैसे कि आपको फ्रेंड्स सैंडविच वगैरह बनाना है, बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि सैंडविच वगैरह बनाए, तो डेली की यही समस्या रहती है कि हम इसको कैसे बनाएं। नीचे मैंने बटर लगा लिया है दोनों ब्रेड के नीचे, और इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर तवे में रोस्ट करेंगे, हल्के से थोड़ी क्रंचनेस हो जाए। और बस थोड़ा सा बटर और ले लिया है ताकि ये दूसरे साइड भी हल्के से रोस्ट हो जाएं, हल्के ब्राउन कलर के हो जाएं। तो बस हम इसमें ऊपर से ये हमने चीज़ ले लिया है, चीज़ तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हेल्दी भी होता है। फ्रेंड्स, आप चीज़ पनीर का अच्छा यूज़ करें, जिसको यदि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो एक ब्रेड में हमने चीज़ ले लिया है, और दूसरे में हमने आप स्वाद के अनुसार इसमें टमाटो केचप लगा सकते हैं। तो बस ये देखिए हमारा जल्दबाजी का सैंडविच बनकर तैयार हो गया है, और अच्छा भी लगता है खाने में। नेक्स्ट ट्रिक यह है फ्रेंड्स कि यदि आपके मुंह में, दांत में कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो उसके लिए आप रात को सोने से पहले 2 से 3 लौंग चबा लेंगे या दबा कर सो जाएंगे, तो आपके यदि जो मुंह में जो तकलीफ है ना, वो समस्या दूर हो जाएगी। तो आप लौंग का यूज़ करेंगे तो आपकी जो मुँह की समस्या है वो दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले ज़रूर खाएँ। नेक्स्ट ट्रिक यह है कि जैसे कि आपको वाइट चॉकलेट या ब्लैक चॉकलेट, इसको आपको मेल्ट करना है, तो इसको मेल्ट करने के लिए आप बहुत ही अच्छा गर्म दूध ले लें, मिल्क से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गर्मी में तो आसानी से इससे, इस टिप से आप करेंगे ना तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन ठंड के सीज़न में ये मेल्ट नहीं हो पाता दूध भी डालने से। ये देखिए दूध से ऐड करने से इतना ही मेल्ट हो पाया, अच्छे से नहीं हो पाया है। तो बस हमने ये अच्छा गर्म पानी ले लिया है कढ़ाई में, डबल बॉयलर, इस मेथड से हम इसको अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। तो ऐसे आप कुछ देर के लिए रख दें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कुछ देर में ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। ये देखिए वाइट चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस मेथड से आप इसको, आपके पास ये जो चॉकलेट है तो इसको आप मेल्ट कर सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे भी आपको इसको पतला गाढ़ा करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी टिप्स लगी फ्रेंड्स? यदि आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने बढ़िया से इसको मेल्ट कर लिया है। तो ये है कि जैसे कि आप दाल वगैरह तो बनाते हैं, तो दाल को बनाने से पहले हम इसको बढ़िया से 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धुल लेते हैं। और जब भी आप दाल बनाएं तो कोशिश करें कि आप दाल को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में ही भीगे रहने दें, ऐसे में दाल भी जल्दी पक जाती है। इसमें स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और यदि आप इसमें जैसे कि आलू वगैरह उबालना चाहते हैं तो साथ में ही इसके साथ आप ऐड कर देंगे, तो आपकी डबल गैस भी बर्बाद नहीं होगी, आलू भी पक जाएंगे और आपकी दाल भी अच्छे बॉयल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।
ये बहुत ही यूज़फुल हैक्स होगा। अक्सर मैं यही करती हूँ कि दाल को मैं साथ में ही आप आलू डाल देंगे तो आपके आलू भी पक जाएंगे, और कभी कभी हमारे यहाँ बच्चे भी इज्जत करने लगते हैं आलू वगैरह पराठे या आलू की सब्जी वगैरह खाने के लिए, तो ऐसे आप हैक्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट हैक्स की तरफ चलते हैं। अधिकतर लहसुन को छीलने की समस्या रहती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाता है, तो इसको आपको यदि छीलना है तो करते ये हैं कि हमने ये इसकी लहसुन की कलियाँ ले लिया है, उसको हल्का सा हम तवे में गर्म करेंगे थोड़ी देर को, और बस इसको ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, हल्का गर्म करेंगे तो इसके जो छिलके हैं ना सॉफ्ट हो जाएंगे और छिलके छीलने में आसानी होती है। और इसी के लिए आप ये भी फॉलो कर सकते हैं इस टिप्स को कि आप कुछ कलियाँ पानी में डिप कर लें और 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और ऊपर वाले पोर्शन को है ना जो उसको आप चाकू के सपोर्ट से आप छीलेंगे तो आसानी से ये हमारे छिलके छिल जाते हैं लहसुन के। नेक्स्ट ये किया है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप चावल बना रहे हैं तो चावल बनाते टाइम आप चावल को बढ़िया से धुल लें। कभी कभी होता है कि हमारा चावल हार्ड बनता है तो उसके लिए आप चावल को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भीगे रहने दें, उसके बाद ही आप गैस में इसको पकाएं। तो चावल यदि आपको टेस्टी बनाना है तो चावल में आप थोड़ी सी ये नींबू का जूस ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दिया है, इससे हमारा चावल अच्छा सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा शुद्ध देसी घी ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ना तो हमारा अच्छे से चावल खिला खिला बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।